जी हाँ दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। फिर हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी को लेकर के कि दोस्तों ये जो चैनल है आंगनबाड़ी पर ही डिपेंड है, क्योंकि आंगनबाड़ी की जितनी भी खबर निकल कर आती है तो हम आप लोगों को इसी चैनल पर बताते हैं। हमारे चैनल तो काफ़ी मल्टीपल हैं, अगर अलग अलग कैटेगरी पर हैं, अलग अलग न्यूज़ पर हैं, बट ये जो चैनल है ICDS आंगनबाड़ी न्यूज़, तो ये सिर्फ आंगनबाड़ी की न्यूज़ ही प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से इसका नाम ही IDS आंगनबाड़ी न्यूज़ रख दिए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आंगनबाड़ी को रिलेटेड ही जितनी भी न्यूज़ निकल कर आती है इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। और यहाँ पर सिंपल भाषा में अगर आप लोगों को समझाना चाहें तो यहाँ पर आप जो आज न्यूज़ निकल कर आ चुकी है, न्यूज़ क्या है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, लघु सचिवालय पहुँच कर किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है इसके बारे में। फिर अगेन जो दूसरी न्यूज़ निकल कर आ रही है यहाँ पर, अगर आप लोग देख सकते हैं कि आशा वर्कर्स के बाद अब आंगनबाड़ी वर्कर ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने 2 दिनों के लिए सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में प्रदर्शन भी किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुरुवार को प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। अगेन बिहार को लेकर के बिहार में न्यूज़ निकल कर आ चुकी है। और दोस्तों इसके न्यूज़ में तो हम आगे बढ़ेंगे ही, बट हम आप लोगों से फिर से अगेन रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को आंगनबाड़ी से ही रिलेटेड हमेशा वीडियोज़ देखनी है और आपको अपडेट रहना है आंगनबाड़ी से लेकर के, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को आप इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होती है ना, जो भी आंगनबाड़ी सेविकाएँ या फिर सहायिकाएँ या फिर जो भी सुपरवाइज़र होते हैं, तो उनको ना हमेशा अपने से जो काम में लगे रहते हैं उससे उनको खबरों से रिलेटेड अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो वो अच्छा होता है, हानिकारक नहीं होता है, ठीक है ना। अगर दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को स्पेशली किसी भी कैटेगरी पर, मतलब कैटेगरी तो एक ही है आंगनबाड़ी, इसके अलावा जैसे मानदेय को लेकर कोई हो गया या फिर हड़ताल का क्या अपडेट निकल कर आ रहा है या फिर वैकेंसी कब तक निकलने वाली है आपके जिले में या फिर आप अलग राज्य से हैं, तो हमको पूरा डिटेल मतलब कि आप हमको कमेंट में कर सकते हैं, या फिर अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं, पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो हमने आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर अगर आप वीडियो के नीचे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो वहाँ पर से आप हमको मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमको वहाँ से आपको मैसेज करने में कोई दिक्कत हो रही है तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर भी दे देते हैं, तो यहाँ पर हमको मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6240, यहाँ पे देख सकते हैं, और 6302, ठीक है ना। तो हमको व्हाट्सएप नंबर यहाँ से कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए हम न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, आपको ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अगर न्यूज़ की ओर बढ़ें और थोड़ा स्क्रॉल करें कि क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सॉरी, इसको यहाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये न्यूज़ देख सकते हैं कि आशा वर्करों के बाद, यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला भर के आंगनबाड़ी वर्कर ने भी सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। जैसा कि हमने आप लोगों को टाइटल में भी बता दिया था, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला भर की आंगनबाड़ी वर्कर ने गुरुवार को झज्जर लघु सचिवालय पहुंची और यहां अपनी मांगों को एक ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपने के साथ उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का भी बात कहा है। यानी कि एक नोटिस बनाया गया, उस नोटिस में उनको लिखा गया है जो जो भी उनकी मांगें हैं तो उनको सौंपा गया है सचिवालय में। और यहाँ पर आने अपडेट तो अब आएगी निकल करके कि अब उसका एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसको एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं करती है, तो ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। बट अभी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, उन्होंने एक नोटिस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ज्ञापन संबंधी, यानी कि एक नोटिस बनाया गया है, उस नोटिस को उनको सौंपा गया है जो कि उनकी मांगें हैं उनको मतलब कि किया गया, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा और स्क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पर आप एक बड़ी अपडेट है ये, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने 2 दिनों के लिए सरकार